परेशान सी लग रही हो। बाबा मैं कॉलेज जा रही हूँ डिग्री लेने के लिए, और भी मुझे कुछ काम है। ठीक है बेटे सपना, रुको, विजय आने वाला है, मुझे कुछ बात करनी है। बाबा आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं जॉब करना चाहती हूँ। बेटे तुम शादी के बाद भी जॉब कर सकती हो, विजय तुम्हें नहीं रोकेगा। बाबा आपको पता है ना, मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है और मैं अभी से फैमिली की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। विजय के परिवार में है ही कौन? उसका परिवार तो हम ही है ना। मैं ये चाहता हूँ हम तीनों साथ रहें, मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। विजय सपना की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है, मैं ये चाहता हूँ तुम दोनों की अब शादी हो जाए। ठीक है बाबा। मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। रुको सपना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा बच्चों जाओ, रात को खाने पे बात होगी। विजय बाबा को हमारी शादी की बहुत जल्दी है। हाँ शायद वो अपनी बीमारी को लेकर परेशान हो रहे हैं। लेकिन विजय मैं अभी फैमिली की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। तुम समझते हो ना ये सब? सपना मैं जॉब कर रहा हूँ ना, तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ जो तुम्हें चाहिए वो मैं ला कर दूंगा, कभी परेशान नहीं होने दूंगा तुम्हें मैं। विजय तुम मुझे घर में कैद करके रखना चाहते हो? देखो एक औरत को भी आजाद रहने का उतना ही अधिकार है जितना एक आदमी को। सपना मैं तुम्हारी आजादी नहीं छीनना चाहता, बल्कि तुम्हें मैं खुश देखना चाहता हूँ। सुनो विजय, मैं किचन में रहकर अपनी जिंदगी नहीं खराब करना चाहती। अभी तो मैंने ग्रेजुएशन किया है ना, और अभी से मैं फैमिली की जिम्मेदारी उठा लूं, फिर मैं अपने लिए कब जीऊंगी? सपना हमारा परिवार ही तो हमारी जिंदगी है, और तुम्हें तो पता है माँ और बाबूजी के जाने के बाद तुम्हारे बाबा ने भी मुझे पाला है। विजय मेरी माँ भी जन्म दे करके मुझे मर गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने कम उम्र में मैं बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी उठा लूं। सपना मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना। फिर तुम कहना क्या चाहते हो? सपना बैठो ना। छोड़ो मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी ही नहीं है। रुको सपना। जा रही हूँ बस मैं। ये कौन है जिसने आपको कार में बंद किया हुआ था? मैं साक्षी हूँ, इसने मुझे किडनैप कर लिया था, ये मुझे जान से मारना चाहता है। चलिए मैम यहाँ से किसी सेफ जगह चलते हैं। चलिए मेरी जान बचा के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैम इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, अगर आप भी मेरी जगह होती ना तो आप भी वही करती जो मैंने किया है। थैंक यू सो मच, आज मेरा बर्थडे है, अगर तुम मुझे नहीं बचाती आज ही के दिन मैं मर जाती। मैम आपका बर्थडे है? ओह हैप्पी बर्थडे मैम। शायद मैम आपको चोट लगी है,
आपको कहाँ जाना है? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। हाँ चलिए आराम से। हाँ अब ठीक है मैडम आप? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ठीक है मैम, अब मैं चलती हूँ। अभी थोड़ी देर में मेरी बर्थडे पार्टी होने वाली है, प्लीज खाना खा के जाना। थैंक यू मैम, मुझे कॉलेज जाना है। देखिए मैं फिर किसी दिन आऊंगी। लेकिन मेरा बर्थडे तो आज है, प्लीज रुक जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी ठीक है मैम। सपना। जी मैम। देखो तो एड्रेस कैसा है। जी एक मिनट। वाओ ये ड्रेस तो बहुत ब्यूटीफुल है मैम। और भी बहुत सारे हैं, देखो। सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं। क्या आप ये वाली ड्रेस पहनेंगे मैम? नहीं नहीं, मेरा ड्रेस तो आ गया है, ये मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर रही हूँ। नहीं नहीं मैम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और मैं ऐसी ड्रेस पहनती भी नहीं हूँ। सपना हम दोस्त है ना, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तुमने मेरे लिए जो किया है ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मैम प्लीज ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देखो ये ड्रेस मैंने ऑर्डर कर दी है, अब पार्टी में यही पहनना पड़ेगा। ठीक है मैम। हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। अरे क्या मतलब, आज तुम्हारा बर्थडे है तो मेरा फोन भी नहीं उठाओगी? पता है कितनी कॉल किया तुमको, चेक इट। सूर्या मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पहले इनसे मिलो, ये सपना है जिसने मेरी जान बचाई। क्यों क्या हुआ? रुको बताती हूँ यार। सपना एक गिलास पानी ले आओगी सूर्या के लिए? ठीक है मैम, मैं पानी लेकर के आती हूँ। तुम परेशान ना हो, बस अपना ख्याल रखना, मैं देखता हूँ कौन है इसके पीछे। इस बार तो मैं बच ही गई सूर्या। हेलो जी, आप रुकिए मैं भेजती हूँ। सपना। जी मैम। हमने जो ड्रेस ऑर्डर किया था, आ गया है, प्लीज रिसीव कर लो। ठीक है मैम। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मुझे लगा था ये मेड है। ये उस टाइप की नहीं लगती यार। अरे मैंने कब कहा उस टाइप की है यार? अरे सूर्या मैं तेरे को बचपन से जानता हूँ यार।
हेलो हेलो सपना, कहाँ हो यार? मैं यहाँ कॉलेज के गेट पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और तुम्हारी दोस्त ने बताया तुम आज कॉलेज नहीं आई हो। कहाँ हो यार तुम? हाँ, मैं साक्षी मैडम के घर पे हूँ। और ये साक्षी मैम कौन है? जब तुम मिलोगे तब मैं तुम्हें बता दूंगी। सपना, तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए, वरना बाबा बहुत गुस्सा करेंगे। तुम अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन और एड्रेस सेंड कर रही हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? वो मैम, मुझे घर जाना है। चली जाना, इतनी जल्दी भी क्या है? सॉरी मैम, मेरे बाबा को नहीं पता मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा ठीक है, पहले कुछ खा तो लो। थैंक यू मैम। अरे विजय, आ गए तुम? चलो साक्षी मैम से मिलवाती हूँ। सपना, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? सुबह तो तुम कुछ और पहन कर आई थी, और तुमने बताया भी नहीं कि तुम बर्थडे पार्टी में जाओगी आज। विजय, सुबह मेरा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था। चलो तुम्हें सूर्या सर से और साक्षी मैम से मिलवाती हूँ। देखो यार, मुझे किसी से नहीं मिलना, तुम चलो बस यहाँ से। विजय, ये लोग बहुत अच्छे हैं, और देखो ये कितनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। अच्छा बाबा, मैं बाद में उनसे मिल लूंगा, तुम बस अब चलो यहाँ से। अच्छा ठीक है बाबा, तुम यही रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। ओह, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम चेंज करी। कोई बात नहीं सर, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ओके बाय, बट मिलते रहना, क्योंकि हम दोस्त हैं ना, वी आर फ्रेंड्स नाउ। ओके सर। अब ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। चलो। बाबा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है। ठीक है बाबा। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ जा रही हो? सर बस कॉलेज तक जा रही थी। चलो बेटा, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। प्लीज कम कम कम। थैंक यू सर। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं, वैसे भी हम तो दोस्त हैं ना। जी सर। साक्षी मैम कैसी है? साक्षी थोड़ी डिस्टर्ब है, और किसी के साथ भी ऐसा होगा ना तो डिस्टर्ब तो हो ही जाता है ना। सर आपने पुलिस कंप्लेन की? पुलिस के झमेले में कौन पड़ेगा, साक्षी वैसी बहुत परेशान है। हाँ सर, बर्थडे पार्टी के वजह से उनका मूड ठीक हो गया था, वरना वो बहुत डरी हुई थी। मैं साक्षी के घर ही जा रहा था, और देखो रास्ते में तुम मिल गई। चलो उससे मिलती हुई चली जाना। सर एक्चुअली मैं कॉलेज जा रही थी। साक्षी से मिलती हुई चली जाना, उसे भी अच्छा लगेगा। ओके सर, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगी। मैं भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। ओके सर। गेट शायद लॉक है। हाँ गेट तो लॉक है। इस वक्त कहाँ गई होगी? ओह राइट, जिम का टाइम है। ओह वो आती होगी। ये 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 है चाबी। कल भी उन्होंने चाबी यहीं रखी थी। लेकिन सर क्या उनके बिना उनके घर के अंदर जाना सही है? अरे कोई नहीं यार, हम लोग बैठ के वेट करते हैं ना। कम ऑन, कम कम।
क्या देख रही हो सपना? सर ये बहुत अच्छा है ना? तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताना। नहीं सर, चाहिए कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। अरे नहीं नहीं, शर्माओ नहीं, जो चाहिए मांग लेना, हम तुम्हारे अपने ही तो हैं, और जो कुछ हमारा है वो सब कुछ तुम्हारा। लेकिन I'm sorry यार, उससे गलती हो गई है, बट आजकल ये तो नॉर्मल है ना। प्लीज ऐसे मत बैठो, अपने आप को ठीक कर लो प्लीज। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, प्लीज तुम मुझे आके मिलो। देखो बहुत गड़बड़ हो गई है, मुझे जाना है, वरना हम दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ। सपना प्लीज अंदर आ जाओ। आप लोगों की एक दिन की दोस्ती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है मैम। इस बात का जब मेरे बाबा को पता चलेगा तो वो जीते जी मर जाएंगे, और मेरी शादी भी नहीं हो सकती। अब मैं नहीं जीना चाहती मैम, मैं मर जाना चाहती हूँ। सपना तुम अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन सूर्या को इस बात की सजा जरूर मिले, कानून उसको सजा जरूर देगा मैम। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। नहीं मैम, अब कुछ नहीं हो सकता मैम। नहीं सपना, ऐसे नहीं बोलते, चलो कहीं चलते हैं, वहां हम बात करेंगे। यार ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? सपना मुझे यहाँ थोड़ा काम है, तुम कार में बैठो, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारा काम हो गया है? तुम्हारी नासमझी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, आखिर मैं कब तक तुम्हें बचाती रहूंगी? तुम्हारी पागलपन की वजह से मेरी जान जाते जाते बची है। थैंक यू साक्षी, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, और वैसे भी
बचपन से हम दोनों एक दूसरे के क्राइम पार्टनर रहे हैं। ये लो, मैं जा रही हूँ।